अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो में मैं आपको तांपरे यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करवाऊंगा और यही वजह है कि मैं ऑलरेडी कैंपस में मौजूद हूं। आज यूनिवर्सिटी को खूबसूरत नज़ारा आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं, बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस यूनिवर्सिटी से और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सारे प्रोग्राम इस कैंपस में हैं जो हरवानता में लोकेटेड है और बहुत से नामी गिरामी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी करंट प्राइम मिनिस्टर है सान्ना मारिन, वो यहाँ की ग्रेजुएट हैं। मोस्ट ऑफ ऑल मैं भी यहीं का ग्रेजुएट हूँ, अब तक मशहूर तो खैर नहीं हो सका, बट यू नीड टू ड्रीम बिग, राइट? तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आप सराउंडिंग में देख सकते हैं, इनके बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम अंदर चलेंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को अंदर से चेक करेंगे। मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा और किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड पे पार्किंग प्लाजा है, सामने ये आउटडोर एरिया है और यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में कोई 8 बिल्डिंग्स हैं। ये जो येलो बिल्डिंग है ये तिएतो तालो कहलाती है, जो कि इंफॉर्मेशन बिल्डिंग है, और इसके साथ सहको तालो बिल्डिंग है जो कि इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग है, और उसके साथ राकेनस तालो बिल्डिंग है जो कि आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। पूरी तरह विजिबल नहीं है लेकिन हम अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे। और जहां मैं खड़ा हूं ये कैंपस एरिना कहलाता है। ये नई बिल्डिंग है, 2015 में बनी है। इसमें मेन लाइब्रेरी है, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके टॉप फ्लोर पे कंपनीज़ के ऑफिस भी हैं, हुआवे और रेगस आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। और ये फेस्तिया बिल्डिंग है जिसके बेसमेंट में स्पोर्ट्स हॉल है जिसे तांपी अरीना कहते हैं, और कॉन्वोकेशन, सिंपोजियम और सेमिनार्स वगैरह भी इसी बिल्डिंग में होते हैं। और ये जो बिल्डिंग है इसे कोने तालो बिल्डिंग कहते हैं जो कि मशीन बिल्डिंग कहलाती है। ये तो बाहर से यूनिवर्सिटी का एक ब्रीफ ओवरव्यू है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को चेक करने के लिए अंदर चलते हैं। ये तो तालो बिल्डिंग है, यहाँ से एंटर होते हैं और इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, सिग्नल प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है। ये क्लासरूम्स हैं, लैब्स भी हैं सराउंडिंग में, दोनों तरफ क्लासरूम्स हैं और लैब्स हैं। अगर नींद आ रही है तो कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। देन ग्रुप स्टडी के लिए आप इस तरह के प्राइवेट रूम्स बुक कर सकते हैं जहाँ पे आराम से आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं जहाँ पे रिसर्च स्टाफ बैठता है, प्रोफेसर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक, रिसर्च असिस्टेंट। जब मुझे 2009 में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिली थी तो मेरा भी ये ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था और मैं इसी डोर से अंदर जाया करता था। और राइट साइड पर क्लास रूम्स हैं, लैब्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है जिसका नाम हर्टसी है और यहाँ पे आप लंच ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन बिल्डिंग से इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों बिल्डिंग आपस में इस तरह के टनल से कनेक्टेड हैं। ये इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में आ गए हम और यहाँ भी सराउंडिंग्स में आपको लैब्स नज़र आएंगी। इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग से ही हम कैंपस अरीना की तरफ जा सकते हैं इस टनल के थ्रू। सारी यूनिवर्सिटी आपस में कनेक्टेड है। ये कैंपस अरीना में आ गए हम और राइट साइड पे हमारे पास रेस्टोरेंट है, आप लंच ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। कहीं भी आप बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे लाइब्रेरी भी है, ये लाइब्रेरी का टॉप व्यू है। नीचे चलते हैं, क्या खूबसूरत लाइब्रेरी है, ऐसा माहौल है कि आपका दिल खुद चाहेगा पढ़ने का। हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी बुक आप बोरो कर सकते हैं, अपना स्टूडेंट कार्ड यूज़ करते हुए आप ख़ुद से बोरो कर सकते हैं, सेल्फ सर्विस है। देन इस तरह के ज़बरदस्त रूम आप बुक कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप असाइनमेंट के लिए। वापस चलते हैं इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग की तरफ।
राइट साइड पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च सेंटर है। और इस तरफ ऑटोमेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, पावर सिस्टम्स डिपार्टमेंट भी है जहाँ से मैंने पीएचडी की है, और तकरीबन 8 साल यहाँ पे मेरा ऑफिस भी था। अब हम आर्किटेक्चर बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, रिसर्च सेंटर है, तो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है ये भी। अब हम मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह के कंफर्टेबल चेयर्स लगे हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको तांपरे यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है फिनलैंड की। वाइड रेंज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, 100 से ज़ायद एक्टिव रिसर्च ग्रुप्स हैं यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा 21,000 स्टूडेंट्स हैं, 4,000 स्टाफ मेंबर है, तो इट्स क्वाइट बिग। और ये टनल फेस्तिया और कोने तालो बिल्डिंग, जो कि मशीन बिल्डिंग कहलाती है, उसे कनेक्ट करता है। ये हम फेस्तिया बिल्डिंग में आ गए हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम है जहाँ पे सिंपोजियम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। ये हॉल कॉन्वोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस टनल के थ्रू अब हम मशीन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। सारी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक बार आप अंदर आ गए तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ये रोबोटिक्स लैब है। एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात फिनिश यूनिवर्सिटीज़ की ये है कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट कार्ड से। आप कभी भी आके लैब यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। 2008 में जब हम आए थे तो सारा वक्त कैंपस में ही होते थे और घर सिर्फ सोने के लिए जाते थे। बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। आई रियली होप कि आपको मज़ा आया होगा। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के कॉन्टेंट्स मज़ीद फ्यूचर में आएंगे। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।